वेलकम टू कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जो बेसिक आपकी केमिस्ट्री है, नाइन्थ से लेकर एफएससी लेवल तक, जिसको अब हम केमिस्ट्री वन का नाम देंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक मैं कवर करना चाहूँगा इस वक्त, वो है मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमें कॉन्सेप्ट है एएमयू का। एएमयू बेसिकली होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली हमारे पास एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि एक किसी भी एलिमेंट का, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम हो गया, सोडियम हो गया एंड पोटाशियम हो गया, उनके मैसेस क्या हैं, उनके रिलेटिवली आपस में क्या रिलेशन बनता है मैसेस का। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम है जिसको हम 7 AMU कहते हैं, सोडियम को 23 कहते हैं एंड पोटाशियम को 39 कहते हैं। यहाँ पे हमें एक बेसिक रिलेशन मिल रहा है कि लिथियम 7 है, सोडियम 23 है एंड पोटाशियम 39 है, यानी कि पोटाशियम इज हैवियर देन सोडियम विच इज़ हैवियर देन लिथियम। ये 7 AMUs है, 23 AMUs है, 39 AMUs है, यानी कि एक अगर हम एटम लें लिथियम का तो उसका मैस होगा 7 AMUs। दिस इज द मैस ऑफ वन एटम, ठीक है, दिस इज द मैस ऑफ वन एटम, दिस इज द मैस ऑफ वन एटम। लेकिन अगर मैं लिथियम एग्जैक्टली 7 ग्राम ले लूँ और सोडियम एग्जैक्टली 23 ग्राम ले लूँ, पोटाशियम एग्जैक्टली 39 ग्राम ले लूँ, तो दैट विल बी, ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ ईच सब्सटेंस। इसी तरह अगर मेरे पास लिथियम के 14 हो जाएं, सोडियम के 46 हो जाएं एंड 78 हो जाए हमारे पास, तो ये सारे रिप्रेजेंट करेंगे 2-2 मोल्स को, सारे 2-2 मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमारे पास यूनिट है जो एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिकली इस एटम को, एक एटम को नहीं देख सकते, ना ही उसका मैस जो है उसका वेट कर सकते हैं, इसीलिए हम ग्राम्स में, जो कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं, हम इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो इसीलिए हम एक मोल किसी भी कम, फॉर एग्जांपल अब अगर हमारे पास एक कंपाउंड लेते हैं, ये एलिमेंट्स थे, अब हम एक कंपाउंड लेते हैं H2O। अब H2O का जो एटॉमिक मास यूनिट यानी रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट है वो बनेगा 2+16 विच इज़ इक्वल्स टू 18 AMU, और अगर मैं एग्जैक्टली इसका 18 ग्राम ले लेता हूँ तो दैट वुड बी 1 मोल ऑफ H2O। तो किसी भी तरीके से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो सेम आएगा। फॉर एग्जांपल इसी तरह हमारे पास अगर कैल्शियम कार्बोनेट आए तो दैट वुड बी 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच विल मेक 1 मोल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, कि अगर आप एग्जैक्टली उसका AMU जो कि 7 या 23 या 39 है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपको मोल दे देगा। हम यहाँ पे अब एग्जांपल एक ले लेते हैं किसी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे H2O से स्टार्ट लेते हैं। अब H2O का कितना है, 18 AMU। अब 18 AMU कन्वर्ट किया मैंने 18 ग्राम में जो बना 1 मोल। अब हमें पता था कि इसके अंदर एक एटम है, यानी क्यों, अब तो क्योंकि मॉलिक्यूल है तो ये एटम नहीं बल्कि मॉलिक्यूल होगा, इसको हम मिटा देते हैं। एक हमारे पास मॉलिक्यूल होगा। अब हमें क्या पता कि 18 ग्राम जो कि 1 मोल है इनमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो दैट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो अब यहाँ पे अगर 18 AMU में एक मॉलिक्यूल था तो हमारे पास एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कि है एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक सोडियम ले लेता हूँ
सोडियम का 23 AMU है और 23 ग्राम इसका मैस बनेगा जो कि 1 मोल है। तो अगर ये एटम है तो 1 मोल में एग्जैक्टली वही होगा, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर जो है 6.0223 × 10²³ एटम्स, क्योंकि अब इसको मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। और सिमिलरली अगर मैं सोडियम क्लोराइड ले लेता हूँ तो इसमें आपको ये सोडियम जो क्लोराइड है इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, मॉलिक्यूल नहीं कहते। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली अगर 58.5 ग्राम हो तो इसको मैं 6.022 × 10²³ कहूँगा फार्मूला यूनिट्स। तो ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है मोल का। अब अगर मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन है 12 ग्राम, इस वक्त ऑक्सीजन है हमारे पास 32 ग्राम और CO2 है 44 ग्राम, यानी कि 1 मोल 1 मोल 1 मोल। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ 1 मोल रिएक्ट करे तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनेगा। एग्जैक्टली अगर इस तरह 2 मोल रिएक्ट करें 2 मोल के साथ तो 2 बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पे 3 मोल हों कार्बन के और 2 मोल हों ऑक्सीजन के तो यहाँ तब भी 2 मोल ही प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि जो एक एडिशनल मोल है वो आपका ऑफ कार्बन बच जाएगा, ये आपका एडिशनल है। सिमिलरली उसको आप ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड एवोगैड्रोस नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिफरेंट एग्जांपल है पोटाशियम क्लोरेट, जब इसको हीट किया जाता है तो ये हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड देता है, NO2 देता है। अब बज़ाहिर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ पोटाशियम का एक है, कैल्शियम का एक है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे अगर मैं 2 दे देता हूँ यानी कि 2 मोल्स हो जाते हैं तो मुझे यहाँ 3 करना पड़ेगा। अब अगर आप देखें कि पोटाशियम क्लोरेट और यहाँ ऑक्सीजन, जब इसके 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके 3 बन रहे हैं, तो जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 3/2 बनेंगे, जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 3/2 बनेंगे। तो अगर एक 3/2 बना रहा है तो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 10 पोटाशियम क्लोरेट के मोल कितना ऑक्सीजन बनाएंगे, तो उसको हम 10 × 3/2 कर देंगे तो ये कैंसिल होके हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 15 मोल्स बनेंगे। ये हमारी बेसिकली मोल्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन दी हुई हो आप उसमें से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने मोल क्या बनाएंगे और कितने मोल क्या बनाएंगे। अब अगर आप इसका मैस करें जो बनता है जी 39 + 35 + 48 40 30 30, आपका 100 113 113, ये आपका बनेगा 122.5 ग्राम। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 245 ग्राम, यानी कि 245 ग्राम आपका बना रहा है 32 × 3, यानी कि 32 + 32 + 32 6 and 96 96। अगर पोटाशियम क्लोरेट का 245 ग्राम 96 बना रहा है तो इसका 1 ग्राम 96/245 बनाएगा। एंड आप यहाँ पे फिर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि 500 कितना बनाएगा, 1000 कितना बनाएगा, 2000 कितना बनाएगा, और उससे क्या मोल्स होंगे एंड क्या एवोगैड्रो नंबर होगा। तो ये सिग्निफिकेंस है मोल की। ये मोल का बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके हवाले से हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल डिफरेंट इक्वेशंस को भी देखेंगे एंड इसको सॉल्व भी करेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन। आपको कोई भी वीडियो ऑन डिमांड हो, कुछ भी हो, तो आप ज़रूर रब्ता करें कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस से। थैंक यू।